यहाँ पर देख रहे होंगे बीजेपी के सांसद हैं नीतीश कुमार, लगातार काफी गुस्से में लग रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, जब व्यक्ति के पैर तले से जब जमीन खिसक जाता है ना, तो मत्ती ऐसा ही हो जाती है। और आज ये उनके बोलने का कारण भी है, जैसा हो संगत वैसा हो गुण, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। यह नीतीश कुमार जी के प्रथम कैबिनेट में मैं भी एक मिनिस्टर के रूप में था, और उस समय हम लोगों ने जंगल राज के खिलाफ यहाँ सत्ता चलाई थी। 5 सालों में इस राज्य के लोगों को राहत मिला था, लेकिन अब फिर वही जंगल राज के साथ अब चले गए, उस जंगली व्यवस्था के साथ चले गए, उसी तरीके से इस देश में लूट, इस राज्य में लूट खसोट मचाने वाले के साथ चले गए। तो संगत तो आपका गलत हो गया, तो परिणाम तो उसका गलत होगा ही। शराबबंदी पर बहुत आरोप लग रहा है बीजेपी के नेताओं पर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये तमाम स्टेटों के नेताओं। नहीं, यह बात सही है कि वहाँ से आता होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जब शराबबंदी है तो आपके बॉर्डर से कैसे आ जा रहा है, और उन अधिकारियों पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, इससे इस राज्य के लोगों का दिमाग मत भटकाइए, आप पूरा फेलियर हैं। आपका पूरा यह शराब नीति जड़ तर से खत्म है, फेल है। आप अगर फेल नहीं रहता तो बॉर्डरों पर सील करते, बॉर्डर से नहीं आता, बॉर्डर से अगर आने वाले अगर आ जाता तो वहाँ के अधिकारियों पर कार्रवाई करते, लेकिन आप वहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं। आप लोगों का दिमाग भटकाने के लिए आप कह रहे हैं कि बॉर्डर से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, बंगाल से आ रहा होगा, लेकिन आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों ऐसा नीति बनाए जो आपसे संभल नहीं पा रहा है? और अधिकारियों पर आपने क्या कार्रवाई किया? सारण के अधिकारी पर इसके पहले भी 3 माह पहले ऐसी घटनाएं घटी थी, दर्जनों लोग मौत के घाट उतर गए थे, लेकिन वहाँ के SP आज भी बरकरार है, वहाँ के अन्य अधिकारी आज भी बरकरार हैं। और इसलिए बरकरार हैं कि वह जदयू के कोई बड़े नेता का वह संबंध में आता है, वह बरकरार रहेगा क्योंकि वह संबंध में आता है ना। इनके संबंधी को हर कर्म कुकर्म करने के लिए छूट इन्होंने दे रखी है, इसलिए ऐसा घटनाएं घट रही है। बीते दिनों एक नीतीश कुमार जी से प्रश्न पूछा गया कि 50 से अधिक मौतें हुई, तो उन्होंने कहा कि पिएंगे तो मरेंगे ही, वो पीने क्यों जाते हैं जहरीली शराब? यही हमें लगता है कि यही बौखला करके दिया हुआ जवाब है, और यही है कि हताशा में दिया हुआ जवाब है। मुख्यमंत्री ऐसे जवाब देगा कि जो पिएगा सो मरेगा? यह मुख्यमंत्री का जवाब है या सही जवाब है कि जो पिएगा सो मरेगा? मुख्यमंत्री जवाब देंगे ऐसा? हमें लगता है कि हमें यह दिमाग का सुनापन है, यह मैंने दिमाग में हमें लगता है कि कुछ दूसरा चल रहा होगा और हम कुछ कह रहे हैं, यह उसमें पूरा दर्शाने का काम करता है। उनके ऊपर संवेदना जतानी चाहिए, जो मर गए उनके परिवार, उनके बाल बच्चे के ऊपर संवेदना देनी चाहिए, उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसके लगे आप कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, हमें लगता है दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री ऐसे बात को कह रहे हैं। अभी विधानसभा में बीजेपी के जो विपक्ष के नेता थे वो तो काफ़ी गर्मा गर्मी हुआ, तू तड़ाक तो हुआ ही, बोले कि इन लोगों को बाहर निकालिए, ये लोग होता कौन है, ये वो पूरा। अब हमें लगता है कि अब प्रजातंत्र तो मुख्यमंत्री को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जैसा संगत वैसे गुण होता है, मतलब RJD के साथ जाने के बाद उनका संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, यह पूर्व के कहावत भी है और एक बड़ा और सटीक कहावत है। जैसा हम संगत करेंगे वैसा ही गुण होगा। यही इसी महागठबंधन के खिलाफ, इसी RJD के खिलाफ, यही जंगल राज के खिलाफ मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। जंगल राज के खिलाफ ही जब पूरे राज्य में, देश में वातावरण बना, तो फिर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार आए, और 5 सालों तक मुझे कैबिनेट में रहकर के साथ रहने का मौका मिला है, और हमने देखा है उस समय के उनके बुद्धि और विवेक को, जिस तरीका से इस राज्य के लोगों को राहत दिया, लेकिन गुण और संगत के साथ बदल गया। आज उन्हीं लोगों पर यह कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, हमें लगता है कि यह दुर्भाग्य की बात है। जनता का कॉमेंट आ रहा है कि बीजेपी फिर से मिल जाएगी नीतीश जी के साथ, ये अभी दिखावे के लिए ये नूरा कुश्ती। देखिए, यह हमें लगता है कि किसी भी परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं है कि बीजेपी फिर उनसे मिल जाए, क्योंकि जिस तरीका से, जिस पैटर्न पर, जिस तरीका से उस राज्य में और राज्य की जनता को जिस तरीका से शोषण हो रहा है, जिस तरीका से राज्य की जनता जहरीली शराब चाहे अन्य तरीके से मुख्यमंत्री के घर के सामने, DGP के आवास के सामने, अन्य अधिकारियों के आवास के मने 100 गज या 50 गज के बगल में दिन दहाड़े गोलियाँ चलती है, सड़कों पर फिल्मी स्टाइल में गोलियां चल करके लोग मौत के घाट उतारे जाते हैं, पटना में भी सीधे सड़कों पर जो VIP सड़क है वहाँ गोलियां लगातार दिन में भी बरसाई जाती है, बड़े से बड़े व्यवसायी भी आज आतंकित होकर के जी रहे हैं। यह जंगल राज का जीता जागता नमूना जंगल राज गुंडा राज के साथ सम्मिलित होकर पुनः बिहार में आ गया है,
और उसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इसलिए उनके दिमाग में उस संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात वाला स्थिति है, उनका गुण जो पहले था वह समाप्त हो गया है और इसलिए लोगों को ये परेशानी हो रही है। आखिरी सवाल, अभी अभी चिराग पासवान यहाँ पर आने वाले हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहिएगा, बीजेपी क्या सोचती है उनको लेकर? ना चिराग जी तो कभी भी एनडीए में, एनडीए से कभी बाहर नहीं हुए हैं, कभी भी बता दीजिए एनडीए से बाहर हुए हैं। चिराग जी कभी एनडीए से बाहर नहीं हुए हैं, ना कल थे ना आज। वो कह रहे थे दो दिनों पिछले सप्ताह कि हम लगातार बीजेपी को आगाह करते रहे मगर बीजेपी समझती नहीं। अलग बात है, लेकिन एनडीए से बाहर नहीं हुए हैं, हमारे एक दल के नाते, हमारे साथ होने के नाते उन्होंने ये बात कहा होगा, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन निश्चित रूप से वो एनडीए से ना कभी बाहर थे ना आज हैं। धन्यवाद सर। ये सिग्रीवाल जी थे, बीजेपी के सांसद हैं, और भी तमाम बातें हम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। अभी पटना एयरपोर्ट पर अभी लगातार यहाँ से अभी कवरेज कर रहे थे, उसी वक्त अभी मिले। झकास भारत पर बने रहिए, बिहार पॉलिटिकल अपडेट्स हम लगातार ला रहे हैं। धन्यवाद।